आप सबको स्वागत है। आज हम 4 अप्रैल की शुरुआत में आ पहुंचे हैं। पहले आप देखा जाए तो अगर आपको किसी फंक्शन में बुलाया जाए और कुर्सी खाली हो तो दो लोग जब सामने आके खड़े होते हैं कुर्सी की तो आप कहते हैं पहले आप बैठिए ना, वो कहते हैं नहीं नहीं, नहीं पहले आप बैठिए। तो पहले आपका जो मंत्र है परमात्मा कहते हैं ये बहुत ही ताकतवर मंत्र है, इसमें आप औरों को बिठा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और जिस आत्मा को जो चाहिए उसको आप पूर्ति करके उसको दे करके आप अपने सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम क्या होता है, हम मुझे मैं ही करूं और हम वहीं पे फंस जाते हैं। तो फंसने से बहुत ही अच्छा बचने वाला मंत्र आज परमात्मा हमें समझाते हैं और औरों को आगे बढ़ाने वाला मंत्र भी ये है और अपने आप को मुक्त करने वाला मंत्र भी यही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्मों से मुक्त हो जाए या कर्मों में भी आप औरों को पहले आगे रख दें और खुद ना करें वो कर्म, इसका ये अर्थ नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। आज उसको हम परमात्मा के शब्दों में समझेंगे। तो पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भवा। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। परम अर्थ कर्म करना, परमात्मा के अर्थ कर्म करना परमार्थ कहते हैं उसको, और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। व्यवहार मतलब कोई भी कार्य में जब हम आपस में मिलते हैं और किसी का आइडिया होता है, किसी का तरीका होता है, किसी का कोई लक्ष्य होता है, तो अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आप कहें कि नहीं मैं, तो आप उनके आगे एक बाधा बन सकते हैं, नहीं तो आप उनके लिए पहले आप कर दें तो आप उनके लिए एक फरिश्ता बन सकते हैं। आप बनना क्या चाहते हैं वो आप डिसाइड करिएगा। परमात्मा कहते हैं बाप का भी यही मुख्य गुण है। परमात्मा भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को आगे रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी औरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि मेरे से भी आगे बढ़ेंगे लोग। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है वही एवर रेडी है। किस चीज के लिए एवर रेडी है, वो उन्होंने अपने कई सारे पापों को अपने आप से अलग कर दिया, छुटवा दिया अपने आप को, मतलब कि मुक्त हो चुके कई पापों से। वो एवर रेडी है, कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी परमात्मा हमें बुला ले अगले जन्म के लिए या ऊपर मुक्ति में, तो हम रेडी एवर रेडी रहे। लेकिन अगर हमने औरों को पीछे करके अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करी तो बद्दुआएं कमाई। अगर हमने सेवा के मार्ग में भी अपने आप को आगे रखा, औरों को पीछे कर दिया, बद्दुआएं कमाई। परमात्मा से भी कमाई, औरों से भी कमाई और परिवार से घर से भी कमाई, तो फिर हम रेडी नहीं है कहां मुक्ति में जाने के लिए। तो ये सब कुछ परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी। इसमें देखा जाए तो पहले आप कहने से ही हम बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। कई लोग गलत जगह पर बंधन में फंस जाते हैं, होती नहीं उनकी वो सेवा, लेकिन लालच के कारण या कहे लोभ के कारण वो कहते नहीं मेरे को करने दीजिए, मेरे को करने दीजिए, और वो कहीं ना कहीं वहां पर फंस जाते हैं। और जब आप कहते हैं ठीक है आप करिए, पहले आप करिए इसको, तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए अगर नहीं बने हो सेवा के लिए, आप बच जाते हैं, आपकी दिशा चेंज होती है, आपका ड्रामा में पार्ट चेंज होता है और आपको वो आगे लेके जाता है। उनके साथ भी आपको दुआएं मिली, आप उनके बीच में अड़चनी में बने और आप आगे भी बढ़ गए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को मुक्त करने का और उसे दुआएं कमाने का, परमात्मा से भी दुआएं कमाने का और को आगे बढ़ाने का। सोचिएगा गहराई से इसके बारे में अपने जीवन में, कहां कहां आपने पहले आप किया होता तो आप किसी और दिशा में होते आज। इसके साथ ओम शांति।